तो किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को पड़ेगा सर। मोदी जी का एक ही दवा है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन पूरा बेच दिया है। सही है, बीजेपी यानी सही है। गहलोत सर का तो काम तो पसंद आया ही है, सभी पसंद आते हैं। और कौन सी पार्टी को आप वोट देने का मन बना? सर मैं तो कांग्रेस। तो क्या हर बार कांग्रेस पेपर लीक करवाती? कौन कहता है कांग्रेस पेपर लीक करवाती है? और कौन कहता है बीजेपी काम करती है, कांग्रेस काम नहीं करती? शिक्षा के क्षेत्र में आप हमारे सांचौर जिले में आके देखो, 30-30 किलोमीटर तक, 20-20, 10-10, 12-12 किलोमीटर तक लड़कियां पैदल जाती थी स्कूल में। 8 तक स्कूल थी, 12 स्कूल नहीं थी, उच्च माध्यमिक स्कूल बनाई है तकरीबन सांचौर में 34 के आसपास। हमारे तो कोई काम नहीं किया। क्या किया भाजपा ने? काम करा प्रताप सिंह जी। किस तरह के काम किए? बहुत बढ़िया काम किया। हमें कोई फायदा नहीं पड़ेगा, हमें तो कांग्रेस को वोट देंगे हम। सर पूरा देश प्राइवेट ठेकों पे दे दिया है, और फिर भी एक ही दावा करे, भाइयों बहनों देश नहीं बिगड़ने दूंगा। अब क्या बेचोगे? हमको बेचने से रहे। क्या लगता है कि कांग्रेस दोबारा रिपीट करे? प्रधानी जी दोबारा योजनाएं बहुत अच्छी चालू करी है। सपने में आएगी कांग्रेस। मतलब मेरा रसोई है वो सांचौर जिले में आ रहा है, और मेरा जो पीछे का बेडरूम वो आ रहा है जालौर जिले में। रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। राजस्थान में चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में हम जयपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। यहाँ जानते हैं कि किस तरह का लोगों से उनके रुझान लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होगा। क्या नाम है आपका? विकास स्वामी। विकास स्वामी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जयपुर के। जयपुर के कौन सा एरिया है, कौन सी विधानसभा? शास्त्री नगर। किस तरह का, कौन विधायक है आपके वहाँ? अभी यहाँ पे हमारा शास्त्री नगर में विधायक हमारे वो है, क्या नाम है उसका, आइडिया नहीं। काम कैसे हुए हैं फिर भी आप? बढ़िया है। बढ़िया काम। तो किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को। कारण? कारण क्या हो, शुरुआत से बीजेपी को देते हैं हम। काम करते हैं वो लोग? हाँ काम करे या ना। अच्छा क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सवाई माधोपुर। विधायक कौन है आपके वहाँ? अशोक बैरवा। अच्छा किस तरह के काम किए हैं? अच्छा काम तो कर रहा है सर, कमी कर रहा है, पर इतना नहीं कर रहा। हाँ। क्या मन बना रखा है इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी कारण क्या है? बीजेपी का कारण क्या है, काम करवाती है, अच्छा विकास करवाती है, और क्या है। तो गहलोत सरकार का कौन सा काम आपको पसंद नहीं आया? गहलोत सरकार का काम तो पसंद आया ही है, सभी पसंद आते हैं, आ रहा है पसंद, ऐसी बात नहीं आ रहा। हाँ बीजेपी क्यों? ये गहलोत सरकार तो काम अच्छा कर रही है, गांव ग्रामीण में कम कर रही है। क्या नहीं दिया ग्रामीण एरिया में? वो तो दे रहे सब यार ऐसे बात। क्या नाम है आपका? महेंद्र बिश्नोई। महेंद्र कौन से जिले के रहने वाले हैं? जोधपुर से। किसका पलड़ा भारी है आपके विधानसभा में? कौन से विधायक को आप वोट देना चाहते हैं? कौन से विधायक का काम अच्छा लगा? सर हमारे तो कृष्णाराम बिश्नोई है। कौन सी पार्टी से हैं और कौन सी पार्टी को आप वोट देने का मन बना? सर मैं तो कांग्रेस। कारण तो सर आपको पता ही है। क्या बताओ? वो तो अब नहीं बता सकते। नहीं बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पेपर लीक करवाया है, भ्रष्टाचार करवाया है। आज तक यह पेपर लीक हुई नहीं है सर। बताओ आज तक कभी पेपर लीक हुई नहीं है? पहले भी हुए। तो क्या हर बार कांग्रेस पेपर लीक करवाती? कौन कहता है कांग्रेस पेपर लीक करवाती है? और कौन कहता है बीजेपी काम करती है, कांग्रेस काम नहीं करती? शिक्षा के क्षेत्र में आप हमारे सांचौर जिले में आके देखो, अभी माननीय सुखराम बिश्नोई मंत्री जी है सांचौर के, जो विधायक भी है और मंत्री भी है, क्या क्या नहीं करवाया उन्होंने। 30-30 किलोमीटर तक, 20-20, 10-10, 12-12 किलोमीटर तक लड़कियां पैदल जाती थी स्कूल में। 8 तक स्कूल थी, 12 स्कूल नहीं थी, उच्च माध्यमिक स्कूल बनाई है तकरीबन सांचौर में 34 के आसपास, जिनका उद्घाटन चल रहा है अभी पिछले एक महीने में तकरीबन 25 स्कूलों का उद्घाटन हुआ है वहाँ। तो भाजपा काम अच्छे नहीं करती क्या? नहीं हमारे तो कोई काम नहीं किया। क्या किया भाजपा ने? कांग्रेस गवर्नमेंट ने किस तरह के काम किए हैं जो आपको संतुष्टि है? यूथ किस तरह से उनका साथ देने वाला है? सर संतुष्टि है, गैस सिलेंडर पहले क्या था अब कहाँ पहुँचा है, पहले पेट्रोल के भाव आप देख लो, हर किसी क्षेत्र में देख लो, महंगाई रात कैंप जो लगवाए तो ये कांग्रेस सरकार ने लगवाई, भाजपा ने कभी नहीं सोचा था इसके बारे में। मोदी जी यहाँ राजस्थान पहुँच रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? सर मोदी जी का एक ही दवा है, मैं देश नहीं बिगड़ने दूंगा, लेकिन पूरा बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी करना था सब कुछ बेच दिया है, और क्या करेंगे। मोदी जी के यहाँ राजस्थान आने से क्या लगता है कि फर्क पड़ेगा? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी पर विश्वास करती है जनता? सर हम तो नहीं करते, अगर जनता करती है तो करने दो। तो राजस्थान का युवा विश्वास करता है? नहीं सर। तो इस बार किसकी सरकार देखते हैं आप? हमारे सांचौर में तो सर सुखराम माननीय जो अभी विधायक भी है और मंत्री जी भी है, माननीय राज्य मंत्री सुखराम जी विष्णु ही है। पूरे राजस्थान की बात करें तो किसकी सरकार देखने? कांग्रेस की भी आएगी सर। आपका क्या नाम? विकास। विकास किस तरह का विकास हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट में?
बहुत वीडियो आया, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या नाम है आप? मोहम्मद जाकिर। कौन सी जगह से हैं आप? मैं अटवाड़ा से। तो विधायक जो आपके रहे, क्या नाम है उनका और किस तरह का काम करा? विधायक प्रताप सिंह जी। किस तरह के काम की? बहुत बढ़िया काम किया। तो इस बार दोबारा वोट किसको देंगे? प्रताप सिंह जी। उन्हीं को दोगे? उन्हीं को देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम कुरैशी। सलीम जी, किस तरह के काम रहे और जो भाजपा लगातार संकल्प यात्राएं कर रही है, तो इनका कोई फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो कांग्रेस को वोट देंगे हम तो। कारण बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, देश भेज दिया, बता रहे ना भैया। देखो बोरे प्रताप जी, एक नंबर आदमी है सर। पूरा पूरा देश प्राइवेट ठेको पे दे दिया है और फिर भी एक ही दावा कर रहे, भाइयों बहनों देश नहीं बिगड़ने दूंगा। अब क्या बेचोगे? हमको बेचने से सच बनेगा भारत तो सच बन गया। इसमें सर रेट की वैकेंसी ज्यादा आती है, कांग्रेस में रेट की वैकेंसी ज्यादा आती है। यूथ को रोजगार देती है कांग्रेस? बिल्कुल सर, सर रोजगार मिला है सबको। नाम है आपका? क्या नाम? अनिल कुमार। कहाँ से आप? अलवर से। अलवर से? अलवर में आपकी विधानसभा कौन सी? विधानसभा किशनगढ़। तो विधायक कौन है और किस तरह के काम किए गए? दीपचंद खेरिया, बहुत अच्छे काम किए हमारे तो वहाँ पे, कैरतल को जिला बना दिया वहाँ पे। क्या लगता है कि कांग्रेस दोबारा रिपीट करे? कांग्रेस आनी चाहिए दोबारा, योजनाएं बहुत अच्छी चालू करी है जिस हिसाब से। यहाँ जो भाजपा के नेता हैं वो लगातार इन पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या लगता है कि उन आरोपों से गलती है उनकी? आरोप इन पे आरोप लगाए तो वो उनकी सरासर गलती है। वो आरोप गलत है? गलत आरोप है सर, सरासर गलत आरोप है। और ये तो शुरू से देखना आ रहा है कि जिसने अच्छा काम किया उनको तो आरोप आएगा ही। आप तो पूरी तरह से मन मना चुके हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट कर सर, वो तो आएगी। अब दुनिया क्या कहे उसे हमें मतलब नहीं है। क्या नाम? सपने में आएगी कांग्रेस। कारण क्यों? कारण है भाई, कारण ही कारण है सब। कौन सा कारण नहीं है? कारण रिपीट किया जाए, सब कारण ही है। कौन कौन सा जिला बना दिया? अभी हमारा जिला बना है, मेरा घर आ रहा है सांचौर जिले में। हाँ। और मेरा मतलब मेरा रसोई है ना, वो सांचौर जिले में आ रहा है और मेरा जो पीछे का बेडरूम वो आ रहा है जालौर जिले में। पंचायत की प्रॉब्लम है भाई साहब। कौन सा ग्राम पंचायत? तो? वो जिला किसने बनाया? अशोक गहलोत भीनमाल से 20 में से चीरा है, आधा इधर और आधा इधर, सांचौर आधा सांचौर में दिया और आधा जालौर में। हम क्या करें? जिले बनाने वाले तो वो है, हमको करना चाहिए, हम क्या करें? आपका एक का ही घर काटा है, आप एक का घर काटा है। अरे लेकिन भीनमाल को 20 में से काटा है। सर जो ये कह रहे हैं कि हमारा भीनमाल जिला बनना था, नहीं बनाया है भीनमाल सर जिला बन के। क्या करेगा? जो उनके विधायक भूरा राम जी है, उन्होंने एक भाषण दिया था जो मेरे पास अभी भी है, बोलना तो था सर कि 2023 और बोल रहे 1923, जो 100 साल आगे की नहीं सोच रहे, उसी जिसको जिला बनाने घोषित जिसकी सपना देख रहे उसको 100 साल पीछे ले जा रहे हैं। आप क्यों आज के उनके अंदर है तब वो एमएलए बने, नहीं तो अपन तो नहीं बने। कुछ तो उनके अंदर खासियत है। पूरा राम जी सच बोलते हैं, भीनमाल है ना, भीनमाल भी चले गए। सुनो, कांग्रेस ने तो 100 साल नहीं, मैं कहता हूँ भारत को 3000 साल पीछे लेके जाना है सतयुग में। हम तो चाहते हैं भारत जाए पीछे। कांग्रेस ने क्या रोजगार नहीं दिए? रोजगार कांग्रेस कहाँ से देगी? जो युवा है वो अपने आप से लेगी, इसमें कांग्रेस देने या लेने की इसमें कोई बात नहीं है। विकास कार्य नहीं कराए, कुछ भी नहीं करवाया, भ्रष्टाचार हुआ सबसे ज्यादा। सर इनके एक नहीं, इनके कोई पर्सनल अगर कांग्रेस से दुश्मनी यार नहीं करवाया तो वो अलग बात है। नहीं है आपके, एक मिनट, आपके गाँव में माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल बनी उसकी, क्या आप पढ़ते ही नहीं उसमें? किसमें? वो आज से नहीं, कई सालों से है, आजादी से पहले से साल हमने तो आज मेरी एज 20 सालों की। मेरा नाम है आपका? जय कुमार जांगिड़। कहाँ से आप? दौसा से। कौन विधायक कौन है आपके? विधायक मुरारीलाल मीणा। हाँ, किस तरह का विकास कार्य वहाँ हुआ है, संतुष्ट हैं आप? आप तो क्या बताएं उनके बारे में, तो मैंने यार अगर क्या कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होगी? कंपटीशन है इसकी बार, कह नहीं सकते। नहीं, फिर भी आप लोगों ने क्या विचार बना रखा है, क्या योजनाएं पसंद आई? आप कुछ बता नहीं सकते इस मामले में हम। देखो आपका क्या नाम है? अरे प्रदीप तो साइड में जी, जी। क्या किस कहाँ के रहने वाले? मैं अलवर बहरोड। अलवर बहरोड से। बहरोड से? हाँ। बहरोड में विधायक कौन है आपका? बलजीत यादव। निर्दलीय विधायक? निर्दलीय। तो वहाँ किस तरह के काम हुए? वहाँ पे काम नहीं है, गहलोत ने जो बीजेपी के वोट थे ना उनको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट बना के हर पंचायत में अलग अलग डिवाइड करके कहीं भी बीजेपी सरकार नहीं आने देंगे एक रणनीति के तहत। तो
तो क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? सरकार तो श्योर बीजेपी की, कांग्रेस तो श्योर है, नहीं आएगी, नहीं आएगी कांग्रेस। कारण क्या है कि कोई विकास कार्य नहीं, विकास कार्य जो भी है विकास कार्य के एक लास्ट के जो एक साल चार साल निकाल दो, एक साल में जो विकास कार्य किया है वो दिखा, ओनली फॉर एक चुनावी एजेंडा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि यहाँ कुछ समर्थक कांग्रेसी समर्थक हैं, कुछ भाजपा के हैं। ऐसे में देखते हैं फाइट काफ़ी टफ होने वाली है, उसके बाद वो तो वोटिंग के बाद ही पता लगेगा आखिर किसकी गवर्नमेंट होती है।